लड़की की आजादी की बात करता हूँ उसमें मुख्तलिफ किस्म की है। आज हम सिर्फ वो आजादी की बात कर रहे हैं जो कि आजाद अदलिया, जो रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करती है और जो कौम को, लोगों को आजाद करती है, ताकतवर के जुल्म से आजाद करती है। फ्यूडल कल्चर क्या है? क्यों एक वक्त होता था कि ऊपर से इन्वेडर आता था, जैसे अफगानिस्तान से गुजरता था सीधा वो पहुंचता था दिल्ली तक, कोई रास्ते में उसको रुकावट नहीं होती थी, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम के अंदर लोग गुलाम है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई बाहर आए, क्योंकि जो ऊपर आए या जाए। बाबर के ऊपर ये जो पहला मुगल बादशाह जब आया था तो उसके ऊपर ये एक इंसिडेंट बताया जाता है, फतह करने से पहले उसने एक रेड की पानीपत से पहले सियालकोट के पास, तो कहता है एक छोटी सी लड़ाई हुई ये जीत गए, तो कहता अभी वो शाम को बैठा देखा तो लड़ाई से थोड़ी दूर एक किसान अपना हल चला रहा है। वो बड़ा हैरान होता है कि ये इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई बाहर से फौज आई है, लड़ाई हुई है। वो किसान को बुलाता है शाम को, कहता तुम बड़े दलेर आदमी होगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि बाहर से कोई फौज आई है, लड़ाई हुई। वो कहता मेरा किसान, मेरा हल चलता रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन आए कौन जाए, क्योंकि वो तो आजाद ही नहीं था। क्यों सारा कबायली इलाका और अफगानिस्तान क्यों हमेशा अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं? क्योंकि वो आजाद है, उनका जो सिस्टम है जिरगा सिस्टम वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, उनकी जूरी सिस्टम भी बन जाता है, उनको इंसाफ भी मिल जाता है और उनकी आवाज भी होती है, वो फिर लोकल गवर्नमेंट भी बन जाती है। जो आता है अफगानिस्तान में हमेशा वो लड़ना अपने आजादी के लिए लड़ते हैं, 80 साल अंग्रेज के खिलाफ कबायली इलाके में लड़ते रहे लोग। जब हम आजादी की बात करते हैं ये याद रखें कि फ्यूडल सिस्टम जिसके अंदर ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा, उसके अंदर कभी उस माशरे का पोटेंशियल ऊपर नहीं आता। जो इनोवेशंस और इन्वेंशंस हैं वो सिर्फ आजाद ज़हन करता है, गुलाम ज़हन सिर्फ अच्छा गुलाम बनता है।